लैब्स हैं वो बंद रहेंगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स से दरिंदगी को लेकर देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो गुस्से में हैं। बिहार और गुजरात में भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। पटना और राजकोट में भी डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स अस्पताल की सुरक्षा के लिए IMN ने 5 मांगे रखी हैं। बिहार और गुजरात के डॉक्टरों का भी विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि भाई उनकी सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता नियम है, ये नियम बताने चाहिए। ख़ास तौर पर कार्यस्थल पर अगर इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो फिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा डॉक्टर्स के लिए। हालांकि हड़ताल के दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। आपातकालीन वार्ड में जो चिकित्सा व्यवस्था है या उससे जुड़ा कामकाज है वो जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में एक सुर में इस पूरे जघन्य अपराध के खिलाफ डॉक्टर्स खड़े होते हुए, हालांकि इस विरोध के स्वर को अगर हम सुने समझें तो किस तरह से अब त्वरित कार्रवाई होगी और क्या फैसला लिया जाएगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। वहीं पटना में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने जघन्य हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सर्विसेज चालू है, ओपीडी जैसा 2-3 दिन से ओपीडी बंद है वैसा आज भी ओपीडी बंद रहेगा। डिमांड्स हमारी वही सेम है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रही। कल वहाँ हमारे रेजिडेंट दिल्ली में भी प्रदर्शन किए बट उसका भी कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं है अभी, तो इसलिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा रेजिडेंट्स का। और दूसरी बात है, बात सज़ा देने की, तो सबसे पहली मांग ये थी कि सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा फ्यूचर में हमारी सुरक्षा के लिए जिससे हम CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, हम वो चाहते हैं उस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर बात करें। बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए काम कर रहा है, बस वापस एक ही चीज़ तो मांग रहा है, थोड़ा सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें काम कर सके। तो वो भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत है ना। बिल्कुल समझ रहा है कि बहुत उन लोग को भी दिक्कत होगा, पर ऐसे है कि हम लोग इसीलिए तो इमरजेंसी सर्विसेज पूरा अभी भी खुले हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद भी कर दिए फिर भी हम लोगों का इमरजेंसी सर्विसेज इसी वजह से हम लोग बंद नहीं किए हैं। OPD सर्विसेज मतलब कुछ तो हम लोग को साइड से होना चाहिए, तभी लोग समझेंगे कि हम लोगों का दिक्कत क्या है। इसी बड़े मुद्दे पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, कोलकाता में जो हुआ वो जघन्य अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जहाँ जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, हालांकि OPD और आपातकालीन सेवाओं को खुला रखा गया है, जो मांगे हैं क्या वो इतनी बड़ी हैं जिन्हें सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? और दूसरी अहम बात, कौन है ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो लोगों की तीमारदारी करते हैं, उनके तीमारदारों की ताने सुनते हैं, 36 से 42 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो सुरक्षा उनका मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल सही कह रही हैं, मूलभूत अधिकार है सुरक्षा उनका, क्योंकि वो जीवन की रक्षा करते हैं लोगों की, वो लगातार कई कई दिनों तक ड्यूटी करते हैं, और ये तमाम वही डॉक्टर हैं जो लगातार जो है कह रहे हैं ड्यूटी करके लोगों की जान बचाते हैं, सेवा करते हैं। उसके बाद भी इनकी मांग यही है कि इनको सुरक्षा मिले और इस मामले में न्याय हो, त्वरित न्याय हो। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मेन मांग जो है वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए है। ये पोस्टर आप देखें, ये कुछ पिछले कुछ सालों में कुछ डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपने वर्कप्लेस पे मर्डर हुए हैं, उनके केसेस है ये। ये ऐसे ही कुछ 5-6 लोगों का ही है जो हम अभी इंटरनेट में ढूंढ पाए हैं। ऐसे इतने लोग हैं जिनका कोई मीडिया अटेंशन मिला नहीं है। हमारी मेन मांग यही है कि आप एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो पहले एक बिल था 2022 में कोविड टाइम पे, जो कभी पास नहीं हुआ था, उस समय का ओपिनियन यही था कि डॉक्टर्स को एक अलग सुरक्षा नहीं चाहिए। आप देखें इतने सारे इंस्टेंसेस है, अभी और क्या चाहिए आपको एक नया बिल लागू करने के लिए? ये खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं है, सारे नर्सिंग प्रोफेशनल जो भी एंसिलरी स्टाफ हमारे साथ है, इवन पेशेंट के लिए भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेग्लिजेंस है। सो वी वॉन्ट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी इनॉक्टेड एंड वी ऑल्सो वॉन्ट किक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर द विक्टिम दैट वॉज इन कलकत्ता। As of now, CBI has taken over. That doesn't mean that justice has still been given. So that needs to be done, and we want quick enforcement of this law so that such instances do not happen in future.
बिल्कुल, ये बहुत ही आक्रोश है, तमाम सारे लोग हैं। क्या मांग है आप लोगों की? लगातार आप लोग बैठे हैं 6 दिन से। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो वातावरण है उसमें सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी सीपीए को लेकर है कि एक नेशनल लेवल पर एक्ट होना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा की गारंटी कानूनी तौर पर उपलब्ध हो। आज पूरे लखनऊ में डॉक्टर एसोसिएशन साथ आ गए, आईएमए वाले आ गए, आप लोग भी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों की लड़ाई में? आप लोग आपके और साथ आ रहे हैं? सर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट हमें अभी और संख्या बढ़ानी है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स एंड रेजिडेंट हैं ऑल ऑफ इंडिया, वी आर फाइट, सबको साथ देना। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की मांग क्या है? मांग तो हम बहुत बार बता चुके हैं, हमारी मांगें तो स्पेसिफिक हैं और बहुत बार यही चीज़ हमें बार बार पूछी जा रही है। हम कुछ अलग तो बोल नहीं रहे हैं, सिंपल सा चीज़ बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि जो आगे जो माहौल है डरावना जो अभी ये क्रिएट हो चुका है ये सब खत्म हो और आगे ऐसी कोई दरिंदगी करने से भी आगे रोके, ऐसा कुछ आगे ना करे। और दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, हम और कुछ तो नहीं चाह रहे, वही चीज़ हम बार बार बता भी चुके हैं। तो जितना ये ज़रूरी हमें लगता है कि जो भी हमारे मुजरिम है, कातिल हैं, उनको जो सज़ा मिले उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस सज़ा की डिटेल्स एक एक पब्लिक को पता चले, ताकि आगे से ये क्राइम करने के लिए हर इंसान की रूह कांपे। ये सोचने से पहले, अगर इंसान नशे में भी है तो भी वो अगर ये सोच रहा है कि वो किसी लड़की का फ़ायदा उठा सकता है, ये सोच के उसकी रूह कांपे, ऐसी सज़ा होनी चाहिए। कोई भी लड़की वल्नरेबल कंडीशन में अगर मिले तो भी उनको ये डर लगे कि नहीं, मुझे इतनी कड़ी सज़ा मिल जाएगी, मैं ये कदम नहीं उठा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नाले में जाके गिर सकता हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि ये मैसेज जाए। बड़ी बात है कि सजा ऐसी मिले कि लोग याद रखें। बिल्कुल, हमारा एक ही सेंटेंस में ये बोलेंगे, हत्यारे को फांसी दो और वो भी जल्द से जल्द। विकास, एक चीज़ जो हम सभा तक सुन पा रहे हैं, तमाम जो वहाँ पर, बिल्कुल एक चीज़ जो हम सुन पा रहे हैं वो ये है कि कानून के प्रति डर को पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जिस पेशे की हम बात करते हैं, जो रक्षक बनकर हमारे लिए खड़ा होता है वो डॉक्टर है, जिसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस पर, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उनके जहन में उठते होंगे, जिनका जवाब वो आज मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, वही सवाल का जवाब मांग रहे हैं और इसी को लेकर वो लगातार आक्रोश में हैं और धरने पे बैठे हैं। आज इनके साथ सीनियर फैकल्टी भी आ गए हैं, आईएमए भी आ गया है। लखनऊ में सुबह से ही जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो प्रभावित हैं यहाँ पर, क्योंकि तमाम सारी एसोसिएशन इनके साथ है। यहाँ पर एसजीपीजी के साथ तमाम सारे फैकल्टी हैं यहाँ पर, इन लोगों ने मार्च निकाला है और इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। इनका यही कहना है कि जब तक ऐसा कोई इनको सुरक्षा का माहौल नहीं मिलता है, इसका आश्वासन पुख्ता नहीं दिया जाता है, तब तक इनका ये आक्रोश धरना जारी रहेगा। और ख़ासतौर से ओपीडी की सेवाएँ प्रभावित हैं, लेकिन इमरजेंसी की सेवाएँ यहाँ पर अभी भी प्रभावित नहीं हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि आखिर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी मांगें मानी जाएँ। लगातार लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले ये लोग अगर अपने लिए सेफ्टी मांगते हैं तो उसके लिए क्या बुराई है? और इसी को जो है कह रहे हैं, लोगों की नींद खोलने के लिए ये लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। और इनकी मांग है कि जब तक इनको सुरक्षा नहीं मिलती और वो दरिंदगी जो महिला के साथ हुई है उन दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक जो है इनका आक्रोश और धरना जारी रहेगा। तो कब तक चेतेगा, जब हम बात करते हैं पूरा सिस्टम, ये बहुत अहम सवाल है विकास। और उससे भी अहम यहाँ पर यह है कि जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, यानी कि 10 बेड पर एक डॉक्टर, तो अपने आप में हमें इनकी विशिष्टता समझनी होगी। ऐसे में जिस एक्ट को प्रभावी बनाने की ये मांग कर रहे हैं उसके लिए कई दौर की बातचीत हुई है। अभी अगर हम देखें तो कहाँ तक ये पूरा मामला पहुँचा है, और जब हम देख रहे हैं कि कोलकाता में जो उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ, जो जघन्य के साथ साथ हृदय विदारक तो है ही, पूरा डॉक्टर समाज एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, आचल न्याय की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये मांगे कर रहे हैं वो कितनी जरूरी है इनके लिए, एकदम सामान्य सी बात है। आप लोग लगातार जो मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कितनी जरूरी है और लोग अभी तक क्यों नहीं पूरी हो रही है? एज अ डॉक्टर्स हम यहाँ पे सर्व करने के लिए, ना कि सफ़र करने के लिए। वी डिजर्व सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट आवर वर्क प्लेस। हमें
उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द हम डॉक्टर्स की बात भी सुनेगी और हमें अपने कार्यस्थल पर एटलीस्ट हमें सेफ्टी चाहिए, जिससे हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी बात सुनेगी। लोगों की सेवा आप लोग करते हैं और अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग सर्विस करने के लिए यहाँ पे है, तो ये बस डॉक्टर्स की बात नहीं है, फीमेल्स एस होल की बात है कि सबके लिए ये सेफ्टी का एक रूल आना चाहिए और अगर इस बार का पनिशमेंट अगर एक एग्जाम्पल रहेगा तो आगे ऐसे प्रॉब्लम्स होना बंद हो जाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कि ये केस हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि हर साल होता है, 2012 ले लीजिए, बड़ा बड़ा केस होता है, ऐसे नहीं फिर पूरी इंडिया उखड़ आती है, सामने आती है, वी वॉन्ट जस्टिस, वी फिर अगेन फिर एक केस होता है, अभी बंगाल में हुआ, फिर उत्तराखंड में नर्स के साथ हो गया। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि क्राइम हो रहा, प्रॉब्लम हो क्यों रहा है एक्चुअली में, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लॉ आ रहा है, इतना विकास खासतौर पर क्योंकि तमाम डॉक्टर्स जो है वो आज यही कहना चाहेंगे कि अगर हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हम सर्विस कैसे देंगे लोगों को। बिल्कुल विकास, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स के लिए कोई अच्छा नियम बनाया जाए और कड़ी से कड़ी से। विकास, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं, अगर हम पूरे विश्व राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात करें, कभी अपनी हड़ताल वापस लेने की बात कर रहे हैं और किस तरह से इनकी तरफ से जो तमाम कोई बॉडी है IMA बातों को कैसे आगे बढ़ाएगा और ये जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो अभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, ये वापस ट्रैक पर कब तक आएंगी? देखिए, आज दोपहर तक IMA ने कहा था कि लखनऊ में सेवाएं प्रभावित रहेंगी OPD की, उसके बाद सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन इनका धरना तब तक जारी रहेगा, आक्रोश तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। यहां पर हम देख रहे थे कि लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो इमरजेंसी सेवा है वो दी जा रही है यहां पर लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी मांग है OPD सेवाएं, अगर ये कुछ सेवाएं ऐसी बाधित नहीं करेंगे, लोगों की इन लोगों की आवाज आखिर वहां तक कैसे पहुंचेगी जब इनकी मांग जहां पे इनकी मांग पूरी हो सके, इसलिए ये लोग मजबूर होकर अब आज छठवें दिन एक बार फिर से जब धरने पर बैठे हैं तो इनके साथ तमाम सारे वो लोग जुड़ गए हैं जो अभी तक इनके साथ नहीं जुड़े थे, और ये इनका कहना है कि ये कारवां लगातार इनका आगे बढ़ता रहेगा और इनकी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका ये धरना जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप लोग, आप लोगों की कोई आश्वासन मिलता है इसको लेकर कि कब तक पूरी होंगी मांगे, या तो जब तक नहीं पूरी होंगी आप लोग अपना धरना जारी रखें? जब तक नहीं पूरी होंगी तब तक हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वी आर सो अनफॉर्चुनेट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 78th इंडिपेंडेंस, बट आर वी फ्री, आर वी सपोज टू सेलिब्रेट आवर फ्रीडम? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वुमेन्स आर स्टिल नॉट सेफ हियर। आज़ादी को इतने साल हो गए लेकिन वुमेन्स कहीं भी, अगर हम जब तक सेफ्टी, रात में हम कहीं भी जाएं और हम सेफ फील करें तब असली इंडिपेंडेंस होगा हमारे लिए। अच्छा विकास, देख रहे हैं आप काली पट्टी लगा के काम कर रहे हैं, मतलब मरीजों की सेवा भी हो रही है आपके इसके साथ साथ? जी बिल्कुल कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं सारी जा रही हैं, बस OPD बंद है वो, और हम यहाँ सेवा करने के लिए ही हैं, लेकिन हमारी भी तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की एश्योरेंस जब तक हमें नहीं मिल जाती, हाउ कैन वी कंटिन्यू आवर सर्विसेज? एंड द सेफ्टी ऑफ अ डॉक्टर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। अगर तुम डॉक्टर्स को सेफ नहीं रख पा रहे हो तुम किसको सेफ रख पाओगे? एंड इट्स नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग, कितने सालों से, बहुत पहले से ये होते आ रहा है, तो वी हैव हैड इनफ एंड हम ऐसे नहीं भूलेंगे। The people are doing such crime, such heinous crime, again and again, because there is no, मतलब ऐसी सजा होनी चाहिए कि करने से या सोचने से पहले ही उन्हें डर लगना चाहिए। हम नहीं भूलेंगे, हम भूलने भी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भूलेंगे नहीं इस बात को, उनका कहना है कि ये भूलेंगे भी नहीं और ना भूलने देंगे इस बात को। क्या कहना चाहेंगे आप जो दरिंदगी हुई है थोड़ा आगे आके रुके? हमारी मांगे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वर्क प्लेस सेफ्टी एक बेसिक प्रोविजन होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने इंश्योर करना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल्स आता है और ये शर्मिंदगी की बात है कि गवर्नमेंट बेसिक रेस्ट करने के लिए एक सेफ प्लेस वुमेन डॉक्टर्स को और मेल डॉक्टर्स दोनों को नहीं दे पा रही है। एंड अगर ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है वो, तो उन्हें बंद कर देने चाहिए हॉस्पिटल्स। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक नेसेसिटी, सोने के लिए, खाने के लिए एक अच्छी जगह, इतना तो बेसिक प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से आना ही चाहिए। एंड अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं काम करेंगे। बिल्कुल, कैसे काम नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्या कहेंगे आप?
यही बात है कि ये हर बार होता रहता है और हर बार इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन ये कितने दिन ऐसे चलना चाहिए, है ना। वर्क प्लेस जो हैरेसमेंट है वर्क प्लेस, और ये तो एक हीनस क्राइम है जो वुमेन के साथ चल रहा है ना। इसके अगेंस्ट तो सबको खड़ा होना ही चाहिए और होंगे भी, जब तक इसका कोई एंड नहीं आता तब तक हम हैं इसके साथ। विकास, क्योंकि हम वर्क प्लेस सेफ्टी की आंचल की इनके साथ धीरे धीरे समाज भी जुड़ता जा रहा है, और इनकी जो मांग है बिल्कुल वाजिब है, इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं है। समाज के व्यक्ति भी डॉक्टरों की भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ पर विकास ये है कि वर्क प्लेस सेफ्टी, भाई जिस कार्यस्थल को कर्म भूमि होती है, एक आपकी और एक जन्मभूमि, कर्म भूमि बनाकर जो लोग काम करने आते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, अगर आप वहाँ पर ही सुरक्षा का माहौल नहीं महसूस करते तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएँ अगर हम बात करें तो इतिहास में भी हुई है, ताकि वो दोहराया ना जाए, अब तो एक कड़े कानून के साथ साथ आश्वासन ही नहीं, उस कानून को लागू करने की आवश्यकता कि तमाम जो वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं वो महसूस करते हैं। बिल्कुल महसूस करते हैं, और यही इनका मानना है कि आखिर जहां पर ये काम करते हैं 24 घंटे 48 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद भी सुरक्षा का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? लगातार आपकी मांगे हम लोग सुन रहे हैं। देखिए, जो अमानवीय और क्रूर घटना घटी है, तो ये इस चीज़ को हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं कि सुरक्षा नहीं है। अगर होती तो इसीलिए हमारा मांग है कि अभी तुरंत रूप से केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और दूसरा जो होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि कोलकाता की जो प्रशासन है फेल हो चुकी है, वहाँ जो रेजिडेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं ऑल आर लाइफ थ्रेटन बाय द गून्स, तुरंत रूप से जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हो वहाँ पर डिप्लॉय हो और वो वहाँ पर पूरा कंट्रोल ले। तीसरा, राष्ट्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी लेवल पर और संस्थान लेवल पर डॉक्टर्स सेफ्टी सेल का निर्माण किया जाए, और जो वहाँ पर कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि जो गवाह हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। अगर कल्प्रिट पकड़ा गया है तो प्रयास क्यों? ये जो गून्स एक्ट है, इमरजेंसी बिल्डिंग तोड़ा गया है, ये क्यों? कल्प्रिट्स को तुरंत से तुरंत, जितने भी कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं सबको अरेस्ट किया जाए। दिस इज़ आवर डिमांड। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, दोबारा एक बार फिर से एक अटैक हुआ था वहाँ पर घटना के बाद भी, ये भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है कह रहे हैं दिक्कत इससे हुई है, और काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लगातार धरना कर रहे हैं, और जो कोलकाता में हुआ है उस किस तरीके से अंदर से झंझोड़ के रख दिया आप लोगों को? जी बिल्कुल, जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और जो विक्टिम है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, और लोगों से भी अपील है कि वो इस पर मतलब जब तक पोस्ट प्रूफ ना हो किसी के भी अगेंस्ट, फेक न्यूज़ वगैरह भी, लोगों को से बचना चाहिए, और सबको साथ मिलकर एक डॉक्टर जो कि एक नॉबल प्रोफेशन है उसके लिए मतलब सबको इस चीज़ विकास में जो तमाम सारे अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी बहुत बुरा हुआ, जो तमाम सारे अपडेट्स बड़ी घटना से सामने आ रहे हैं वो ये कि आज देश भर के जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, वहीं आप सुन पा रहे हैं, वहीं पर जो पुराने आरजी करके प्रिंसिपल है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, सीबीआई मिशन मोड में काम कर रही है इस पूरे केस को लेकर, लेकिन जिस तरह से राज्य प्रशासन ने इस पूरे मामले को डील किया, कई सवाल खड़े होते हैं उनकी प्रशासनिक एबिलिटी को लेकर। जी बिल्कुल आंचल, यही सबसे बड़ा इन लोगों को दर्द भी है डॉक्टर का, कि राज्य प्रशासन की तरफ से वहाँ से जो कुछ हुआ शुरुआत में उसको हत्या तक नहीं बताया गया, इसके साथ साथ वहाँ पर जब आरोपी के बाद जो है जो घटना होती है सीबीआई जांच की घटना के बाद, जब हाईकोर्ट देती है आदेश और उसके बाद भी वहाँ पर जो जघन्य घटना होती है, हमला होता है डॉक्टरों पर, उससे बाद इन डॉक्टरों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया था। हमारे जो आरजे कर के डॉक्टर्स हैं, कोलकाता के डॉक्टर्स हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में गुंडे इतनी मास संख्या में गुंडों का इकट्ठा होकर सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्ट्रॉय करना कहां तक सही है मुझे बताइए? अगर डॉक्टर कम्युनिटी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी इस समय के बावजूद भी, तो बताइए हम और क्या कर सकते हैं? अपने मरीजों को ट्रीट करने के अलावा हम सड़कों पर आज उतर आए हैं, इस तरह की हालत हमारी हो गई है।
वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री हैं, माना यह जाता था कि उनके अंदर भी संवेदनाएं होंगी, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि ऐसी कोई संवेदनशीलता उनके अंदर हो। बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें, आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है लेकिन दोषियों को कोई सज़ा नहीं मिली है। और उसके अलावा जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी गुंडे आकर हम पे हमला कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर वो हमारे साथ है या वो हमें आश्वस्त कर सकती हैं। बिल्कुल, यही उम्मीद की ही बात है, यही उम्मीद अब पूरे होने की बात है। अब आप लोग कह रहे हैं कि किसी आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन हर महीने, हर 15 दिन, हर 6 महीने, हर 3 महीने में मिलता है। अगर आश्वासन से काम चल रहा होता तो आज ये घटना नहीं होती। हमको CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत रूप से चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह से इन लोगों की मांग यही है, क्योंकि जो घटनाएं वहां पर हुई कोलकाता में उसके बाद अब इन लोगों को ये एहसास है कि अब आगे कैसे काम चलेगा, क्योंकि लगातार 24/7 जो लोग काम कर रहे हैं आखिर वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। जिन परिवारों ने डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, अगर वो वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से जो है कह रहे हैं समाज आगे बढ़ेगा, ये कैसे सुरक्षित रहेंगे और लोगों की सेवा कर सकेंगे। अब इनका संघर्ष इसी बात को लेकर है कि जब तक डॉक्टरों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है तब तक इनका ये आक्रोश, ये धरना, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल विकास, और कई सवाल हैं जिस पर CBI काम कर रही है कि भाई उस वक्त अगर बात की जाए रात की नाइट शिफ्ट की तो सुरक्षा सुनिश्चित करने की तो जिम्मेदारी थी ही, लेकिन उस वक्त पीड़िता से कौन मिला, पुराने जो डीन है उनसे भी पूछताछ जारी है, जब खाना मंगवाया गया जिस ऐप के थ्रू वो डिलीवरी बॉय, तो कई ये पेज दर पेज जोड़ने की कोशिश कर रही है CBI। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि तमाम डॉक्टर्स जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हर एक राज्य में होते हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ को अनुकूल बनाने में इनका अहम योगदान है, किस तरह की परेशानियाँ ये पहले भी झेल रहे थे ये अहम सवाल है, और उस वक्त किस तरह से उनके अपने अस्पताल ने या राज्य प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाया ये भी कहीं ना कहीं आता है संदेह के दायरे में। जी बिल्कुल, ये इन लोगों की यही देशव्यापी लड़ाई है, डॉक्टर अब यूनाइटेड होकर ये लड़ना चाहते हैं एक साथ आकर, और इसमें जब तमाम सारे लोग आ गए हैं, अब सीनियर फैकल्टी आ गए हैं, IMA के लोग आ गए हैं, जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो अब इन लोगों को लग रहा है अभी इस लड़ाई को आगे और जारी रखना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ तमाम सारे लोग जब जुड़ते जाएंगे तब इनकी मांग और मजबूत होती जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो इमरजेंसी हालात में आ रहे हैं, अभी भी ये डॉक्टर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इलाज जारी कर रहे हैं। ये वो सीधी तस्वीर है आंचल, जो अभी एम्बुलेंस से यहाँ पर एक मरीज आए हुए हैं और इनमें से कुछ डॉक्टर उठ के गए हैं उनका इलाज करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी ये लोग सेवा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को एक सुरक्षा का माहौल चाहिए, सुरक्षा का एक वातावरण चाहिए, उसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं और इनकी ये लड़ाई लगातार तभी तक जारी रहेगी। आप लोग हमने देखा कि इमरजेंसी में जो आ रहा है उसकी मदद हो रही है, उसका इलाज हो रहा है। हमारी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, सारी सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करी है, हमारे जो मरीज भर्ती हैं जिनको हमारे कैंसर के मरीज जिनको कीमोथेरेपी लगना है, वो मरीज या कोई भी इमरजेंसी में आ रहा है उनको हम सुचारू रूप से सेवाएं दे रहे हैं। बस हमारा OPD बंद है और हमारे जो रूटीन ऑपरेशन जो थिएटर्स है वो हमने बंद कर रखे हैं ताकि हम अपना प्रोटेस्ट दिखा सके। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी जब आपको सेवाएं भी बाधित करनी पड़ रही हैं? हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंसान हैं, हमें पता है कि हमारे मरीजों को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बंद की है। बट आप देख रहे हैं किस तरह से बंगाल में हमारी कलीग के साथ में रेप करके उनकी हत्या कर दी गई है, इस वजह से हमें हम सब में आक्रोश है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। चल, ये साफ जाहिर है इस बात से कि जो एक भावना होती है डॉक्टर के अंदर, जो इनको शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है मेडिकल कॉलेज में और संस्थानों में, अन्य बड़े संस्थानों में, कि मरीजों की सेवा करना है, जी जान लगाकर सेवा करना है, अपना दिन रात नहीं देखना है, उसके बावजूद भी
एक जीवन होता है डॉक्टर का, अपना जीवन होता है, उसको सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो लोगों की सेवा कैसे करेगा। बस यही इन लोगों की मांग है कि एक सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए और जो जघन्य अपराध करने वाले ऐसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दशकों तक नजीर बन के रहे। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आमतौर पर ये एक बहाना नहीं चलेगा कि किसी ने शराब पी लिया उसके बाद जो है घटना हो गई, कोई जो है कह रहे हैं नशे में है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। अगर कोई नशे में भी है तो जो सजा मिली है उसको रोंगटे उसके खड़े हो जाए, वो ये जघन्य अपराध करने की सोच भी ना सके, उस तरीके की सजा इन लोगों का कहना है कि दी जाए कि कभी दोबारा कल्पना भी ना कर सके कि डॉक्टरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी जघन्य अपराध कर सके आदमी, ये सोच ही समाज से ख़त्म हो। बिल्कुल, ये अहम है और सबसे अहम यहाँ पर ये भी है विकास कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में मेहनत और कई साल लगते हैं, कईयों के सपने, माता पिता की आकांक्षा अभिलाषाएँ उसमें शामिल होती हैं, उसमें वो भाव होता है कि भाई मुझे समाज की, लोगों की रक्षा करनी है कई बीमारियों से। इस भाव को ख़त्म ना होने के चक्कर में किस तरह से अब एक सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था की ज़रूरत है ताकि ये जो भाव है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है जो डॉक्टरी पेशे को अपनाती है, वाइट कॉलर जो आप कहा जाता है इसे, लेकिन आज इस पर कई छींटे और कई दाग हैं, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं जघन्य अपराध से जुड़ी हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो इनका व्हाइट कोट होता है उससे मैला करने की कोशिश की गई है। एक डॉक्टर बनने में कितना परिश्रम, कितना संघर्ष होता है, जब नीट परीक्षा के बाद जब वो आते हैं और साल दर साल एक कठिन परिश्रम करते हैं, इसे कहेंगे कि एक ये जो संघर्ष होता है एक तपस्या के समान होता है डॉक्टर बनने का। ये कई साल तक जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब जो सीखते हैं वो खुद नहीं सीखते हैं, वो समाज के कल्याण के लिए सीखते हैं कि जिससे लोगों की बीमारी दूर हो सकें, और उसके बावजूद जब ऐसी घटना होती, कितना कठिन संघर्ष होता है एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर बनना, और उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं, एक जो सफ़ेद कोट कहते हैं उस पर एक जो छींटे मारने की कोशिश की गई है इन जैसे अपराधियों, ऐसे लोगों के खिलाफ, तो क्या सोच आती है मन में? हमारी सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम इतना पढ़ लिख लिए गए हैं, हम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, नीट यूजी, नीट पीजी, नीट एसएस, तीन एग्ज़ाम पास करके आज हम अपनी तीसरी डिग्री के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इतना पढ़ने के बावजूद, इतना घंटों तक नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी हम करते हैं, अगर हमारे से परिवार वालों को पता होता है कि हम कितना दिन रात ड्यूटी करते हैं, हम उनसे मिलते नहीं हैं, 10-12 सालों से हम उनसे दूर हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे वर्क प्लेस में हमें सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जा रही है और हम यहाँ पर खड़े हैं, जो कोलकाता में जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए एकजुट एक स्वर में तमाम देश के डॉक्टर्स